हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब लड़की आपके प्यार से इनकार कर दे तो क्या करें। देखो, अगर आपने किसी लड़की से अपने दिल की बात कही है या उसे प्रपोज करा है और लड़की ने पलटकर आपको ये रिप्लाई कर दिया कि वो आपको उस नज़र से नहीं देखती है, उसके मन में आपके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, उसने कभी आपको उस नज़र से देखा ही नहीं, तो क्या करें। देखो, बुरा मानने वाली बात तो है, ठीक है, सभी को बुरा लगता है, चाहे कोई भी उस जगह पे, ठीक है, किसी को वो पूरी दुनिया बना लेते हैं और पता चलता है एंड एंड में कि उस इंसान के मन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, फीलिंग्स हर्ट होती हैं, ठीक है। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, या फिर आप जब लड़की को प्रपोज करो आपके साथ ऐसा ना हो, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगी जो आपको तब करने चाहिए जब लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है या प्यार से इनकार कर देती है, ताकि आप उसके इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींच सको। तो सबसे पहले, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, प्यार का इजहार करता है और लड़की मना कर देती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो सभी लड़कों को मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़की की नाक को ना दिल पर न मत लो, ठीक है। अगर आप उसको दिल पर लगाओगे ना, तो क्या होगा, आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, वो उस लड़की के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अगर लड़की मना कर देती है तो वो मतलब बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो उसकी बात को कभी भी दिल पर मत लो कि लड़की ने ना कर दिया है तो आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब कोई आपकी लाइफ में कोई लड़की आएगी ही नहीं, ठीक है, तो दिल पर मत लो। और दूसरा काम जो ये है कि हमेशा प्रिपेयर रहो, ठीक है, कि लड़की ना भी कर सकती है। कई बार ये होता है ना कि जब लड़के प्यार में होते हैं या किसी उसे प्रपोज करते हैं, लड़की को प्रपोज करने के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात रहती नहीं है कि अगर मैं उसको प्रपोज करूँगा तो हो सकता है लड़की हाँ भी कर दे और ना भी कर दे। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही सेट रहो, ठीक है, अपना माइंड सेट कर लो कि लड़की ना भी कह सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हो। तो जब आप पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे ना कि हो सकता है वो मना कर दे, तो आपको उतना ज़्यादा दुख नहीं लगेगा जितना तब लगेगा जब आपके दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, आप बस हाँ की उम्मीद में उसको प्रपोज कर रहे हो। हाँ की उम्मीद में अगर उसे प्रपोज करोगे ना, तो इन केस अगर वो मना करती है तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा, धक्का लगेगा कि यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो हमेशा मतलब दोनों ही साइड को दिमाग में बिठा कर रखो कि ना भी कर सकती है और हाँ भी कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि आपको उस मतलब अपने इमोशंस से मतलब आप दुखी नहीं होगे उस बात से कि मना कर दिया है तो आप दुखी हो जाओगे, ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कौन से काम करने हैं, इसके अलावा आप दूसरा काम ये करो कि अगर लड़की ने इनकार कर भी दिया है ना, तो आप उसके सामने कभी भी पहले तो दुखी नहीं होना है, ठीक है, आपको दुखी होने के बजाय उसके सामने ऐसे कुछ काम करने हैं जिससे उसको ऐसा लगे कि यार ये लड़का मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, ठीक है, और जिसे मैंने इनकार कर दिया है, ठीक है। और इसके लिए आपको कौन से काम करने हैं, वो काम करने हैं जिनमें मोस्टली उस लड़की का इंटरेस्ट है या वो लड़कों में ये क्वालिटी देखना पसंद करती है। तो जब आप उसकी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे काम करोगे जो उसके माइंड में है या जो अपने पार्टनर में देखना चाहती है, तो मे भी उसका इंटरेस्ट आप अपनी तरफ खींच सकते हो, उसको ये फील होने लगे कि यार मैंने ना करके गलती कर दी, ठीक है, ये तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, ठीक है, अगर मैं शायद इसको प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो मेरी तो मतलब मैं रिलेशनशिप में खुश रहती। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा पार्टनर ऐसा हो, केयरिंग हो, लविंग हो, ठीक है, पैसे वाला हो, काम धंधा करता हो, तो मोस्टली लड़कियों की ख्वाहिश यही होती है। तो अगर आप लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानें, और लड़की ने अगर आपको ना कर भी दिया है ना, तो इन चीज़ों पर फोकस करें कि उसको पसंद क्या है, ठीक है, वो उसकी ख्वाहिश क्या थी कि उसको इस टाइप का पार्टनर चाहिए। तो मे भी जब आप उसके सामने वैसे काम करोगे तो हो सकता है उसको ये एहसास हो कि आपको ना कह के ना उसने गलती करी है, तो इससे उसका माइंड थोड़ा सा बदलने लगे, ठीक। इसके अलावा अगला काम जो आपको करना है कि जब भी लड़की आपको आपके प्यार से इनकार कर देती है ना, तो लड़की के सामने मतलब बिल्कुल भी कभी भी लड़की को डायरेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना है कि आप उससे बिल्कुल प्रॉपरली बात करना बंद कर दिया आपने, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो, लड़की आपके पास में खड़ी है लेकिन फिर आप अवॉइड कर रहे हो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लड़की आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी, ठीक है, ये चीज़
मोस्टली लड़कियों का ऐसा नेचर होता है कि जब वो इग्नोर करती हैं किसी को या प्यार से मना कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ होती है कि अब लड़का जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो आपको उसके सामने ये चीज़ दिखाना नहीं कि आप दुखी हो, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना, आप कैजुअली उससे बात करने की कोशिश करो। अगर बात कर रही है ना तो आप नॉर्मल नॉर्मल रहो उसके सामने, ठीक है। और इसके साथ ये चीज़ ज़रूर करो कि आप उस लड़की के सामने और लड़कियों से बातचीत करना स्टार्ट रखो, ठीक है। अगर उसने आपको मना कर दिया है तो ऐसा नहीं कि उसकी सहेलियों से भी बात नहीं कर रहे हो, दूसरी लड़कियों से भी बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मतलब लड़कियों का काल बढ़ चुका है, ऐसा उसको नहीं दिखाना है। ये चीज़ दिखानी है कि आपकी लाइफ में ना और भी लड़कियां हैं, ठीक है, वो बात नहीं कर रही है, तो आपसे और भी लड़कियां बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो जब आप उसके सामने और भी लड़कियों से बातचीत करते रहोगे या और लड़कियों के टच में रहोगे, तो मे बी हो सकता है उसका इंटरेस्ट बदलता रहे। और इसके लिए आप इंटरेस्ट को बदलने के लिए क्या करना है कि आप जो लड़कियों से बात कर रहे हो ना, जिन लड़कियों से, उनसे थोड़ा सा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करो। मतलब ऑलरेडी मोस्टली लड़के अच्छा बिहेव करते हैं, बट कोशिश करो कि उससे उसमें अपना प्लस पॉइंट और आप डाल दो कि और भी बेटर करने की कोशिश करो, ताकि जिस लड़की ने आपको इनकार किया है वो इस चीज़ को देखकर उसको अफसोस हो कि यार लड़का अच्छा था, मैंने फालतू में मना कर दिया, ठीक है। ये काम आपको करने हैं, उसके सोच उसके दिमाग में अपनी बात को चलाने के लिए या खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और काम आप ये कर सकते हो कि अगर लड़की ने आपको इनकार कर दिया कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, ठीक है, तो आप ना एक ये चीज़ कर सकते हो कि आखिर ऐसा उसने किया क्यों, ठीक है, क्या रीज़न है। तो जब आप रीज़न जानने की कोशिश करोगे कि आखिर उसने मना क्यों किया है, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी उसके इंटरेस्ट को समझ पाओगे। जैसे कि हो सकता है कि ऑलरेडी वो किसी रिलेशनशिप में है या किसी और की तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है, इस वजह से उसने मना कर दिया है, ठीक। तो वहाँ पे अगर ऐसा है तो वहाँ पे तो आपको अपने कदम पीछे करने हैं कि वहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके दिल में कोई और बसा हुआ है, ठीक है। अगर ये चीज़ है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा टेंशन दिए, आपने उसके लिए हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, इस वजह से वो आपको अवॉइड कर रही है कि वो आप उसके लिए मतलब हर चीज़ बाहर एक तरह से लिमिट के बाहर कर रहे हो, ठीक है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसकी अटेंशन उसको अटेंशन दे रहे हो, उसकी उसकी केयर कर रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आपने की है, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा प्यार उसको दिखा दिया है, इस वजह से वो इरिटेट होकर आपको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, ठीक है, आपको मना कर दिया है कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ठीक करो, ठीक है। ज़्यादा जो चीज़ें अगर इनके जाने अनजाने में आपसे कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। उसके बाद जो है ना, जब उन चीज़ों को सुधार कर आप उस लड़की से बात करोगे तो मे भी हाँ वो आप में जब चेंज देखेगी तो हो सकता है उसका माइंड आपके लिए थोड़ा सा बदलने लगे, ठीक है, वो आपको उस नज़र से देखने लगे जिस नज़र से आप उसको देखते हो, ठीक है। इसके अलावा अगला काम जो आपको ज़रूर करना है कि अगर लड़की ने आपसे अपने प्यार के लिए मना कर दिया है कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप दुखी हो रहे हो, उदास हो रहे हो, ठीक है, आपको ये करना है कि आप जो है ना अपने माइंड को किसी और की तरफ किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर लो, ठीक है। जब आप किसी और काम में बिजी हो जाओगे तो आपको उस लड़की की ना जो है ना इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास उस लड़की की ना के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है कि आप अपने काम में बिजी हो, अपने कार्य में बिजी हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है ताकि उस लड़की का माइंड दोबारा से बदल जाए, मे बी वो आपको वापस से पसंद करने लगे। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।